नमस्कार दोस्तों, एग्जाम जॉब अलर्ट चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो कृपया करके चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके और नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब किया हुआ ही एनकरेज करता है मैं और भी वीडियोस बनाने के लिए। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो शेयर जरूर कीजिए अगर चैनल पर पहले से जुड़े हुए हो तो। आपके लिए बहुत बड़ी अपडेट लेके आए जी, जो कि HSSC की तरफ से बहुत बड़ी अपडेट आइए आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। कोई भी कैंडिडेट वीडियो स्किप ना करे, क्योंकि वीडियो स्किप करते हैं इन्फॉर्मेशन मिस हो जाएगी। CET रजिस्ट्रेशन को आधार जरूरी है, क्या जरूरी है पूरी इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे जी। ठीक है जी, नौकरियों और कर्मचारी शहरवासियों के लिए नए नियमों में संशोधन किया गया है कैबिनेट की तरफ से। HSSC परीक्षा में 10% से ज़्यादा 10% से ज़्यादा प्रश्नों के विकल्प खाली छोड़े जाए तो आप अयोग्य घोषित किए जाएंगे। यानी कि ये न्यू नियम बना दिया गया, न्यू कानून बना दिया गया नया भी। अगर आपने मान लीजिए 100 क्वेश्चन हैं, ठीक है, 100 क्वेश्चन में से 10% यानी कि 10 क्वेश्चन आपने खाली छोड़ दिए, बचे 90 आप अटेम्प्ट करते हो बट 10 खाली छोड़ दिए तो आप अयोग्य मानने जाएंगे, यानी कि आपको डिस्क्वालीफाई डायरेक्टली कर दिया जाएगा। ये CM साहब की बैठक हुई, उसमें ये 36 प्रस्तावों को की में से 33 को मंजूरी दे दी गई है। शहरों में विभागों को जमीन पर वर्ष 2000 से पहले का कब्जा तो मिलेगा उनको मालिकाना हक, ये भी ऊपर किया गया है। ठीक है जी, और इसमें देख सकते हो हरियाणा सिविल सेवा आयोग की तरफ से HSSC HCS और एलाइड सर्विस की भर्ती परीक्षा में प्रश्नों के 5 विकल्प दिए जाएंगे और 10% से ज़्यादा प्रश्नों के विकल्प नहीं भरा तो अयोग्य माना जाएगा। यानी कि 100 में से 90 क्वेश्चन भर दिए, 10 आपने क्वेश्चन नहीं भरे, यानी कि 10 से ज़्यादा मान लीजिए 15 क्वेश्चन आपने ब्लैंक छोड़ दिए, कोई आंसर नहीं दिया तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा डायरेक्टली बिना देखे। ठीक है, यानी कि 10 क्वेश्चन तो छोड़ सकते हो 100 में से, इससे ज़्यादा आप नहीं एक भी क्वेश्चन छोड़ सकते बिना आंसर दिए। दरअसल में HPSC ने HCS और अलाइड सर्विस को पिछली भर्ती में 5वां विकल्प #hashtag लागू किया था, और कोई अभ्यर्थी किसी प्रश्न को हल नहीं करता तो चाहता है तो #hashtag वाले के सामने वाले गोले को भरना था, तो 5वां विकल्प बनाया गया। अगर 100 में से वही आंसर आपको, मैंने जो उदाहरण दिया वही आया, 100 प्रश्नों में से 10 से ज़्यादा प्रश्नों के विकल्प का में एक भी गोला नहीं भरा तो आंसर शीट को रद्द कर दिया जाएगा और कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए 1 टाइम रजिस्ट्रेशन आधार कार्ड होना आपका बहुत ज़रूरी है। सबसे बड़ी हाईलाइट है जी ये, ठीक है जी, ये देख सकते हो CET के रजिस्ट्रेशन के लिए आधार कार्ड आपका होना ज़रूरी है। गवर्नमेंट हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन HSSC की ओर से ग्रुप CD की भर्ती को लेकर कराए जाने वाले CET के लिए 1 टाइम रजिस्ट्रेशन किया जाता है। इसके लिए आधार कार्ड भी अनिवार्य किया गया है। इसका मकसद यही है कि भर्ती प्रक्रिया आसान बन सके और कंप्यूटर डाटा में फर्जी वगैरह खत्म हो सके। ठीक है जी, आधार कार्ड जरूरी कर दिया गया, आधार कार्ड के बिना नहीं आप कर सकते। और किराए या पट्टे के रूप में साल 2000 से पहले अगर कोई भी उस जमीन पर रह रहा है तो उसको मालिकाना हक दिया जाएगा। ठीक है जी, 2000 से पहले का ही रह रहा, पुराना है, यानी कि 25-30 साल हो गए तो उन्हें मालिकाना हक दे दिया जाएगा। पहले सिर्फ नगर निकाय की प्रॉपर्टी को लेकर यह नियम था, अब कैबिनेट बैठक में 36 प्रस्तावों में से ये 33 प्रस्ताव हैं। HSSC की भर्ती का 5वां विकल्प ई जारी किया गया है। ठीक है जी, एक ये खबर आई है, और इसमें 1/4 आपका अगर गोला नहीं भरा तो 1/4 1/4 नंबर भी आपके डिडक्ट किए जाएंगे। रजिस्ट्रेशन के लिए आधार कार्ड जरूरी है, 4 नौकरियों में इंजीनियरिंग डिग्री होनी जरूरी है। आयुष पद्धति में से इलाज पे भी क्लेम मिलने वाला है। परिजनों के नाम पंजीकृत वाहन भी निजी होगा। कर्मचारियों के यात्रा भत्ते में निजी वाहन की परिभाषा बदली है। कर्मचारियों को कई बार सरकारी काम के लिए वाहन ले जाना पड़ता है, लेकिन वाहन परिवार के सदस्य के नाम होने के कारण उसका पैसा नहीं मिलता, तो उसके लिए भी अगर उनके परिवारों का पर है सरकारी कर्मचारी, अगर उनके माँ बाप या भाई बहन के नाम कोई साधन है तो वो लेके जाते हैं तो उसका भी उनको खर्चा दिया जाएगा। एडेड स्कूलों में रिटायर कर्मचारियों को भी पेंशन मिलेगी। ठीक है, कम जनसंख्या घनत्व वाली पर्यावरण अनुकूल कॉलोनियाँ काटी जाएंगी। अब सभी विभागों को जमीन पर मिलेगा मालिकाना हक। बिल्डिंग प्लान की सहमति 2/3 आवंटित में जरूरी गई का बांटी गई है। ठीक है जी, ये बहुत बड़ी अपडेट है जी। सबसे बड़ी अपडेट यही है,
भी अगर 10% से ज़्यादा आप क्वेश्चन छोड़ते हो तो आपको डिसक्वालीफाई किया जाएगा कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट ग्रुप डी की भर्ती में। यह बहुत बड़ी अपडेट है जी, ध्यान रखिएगा कोई भी कैंडिडेट ना छोड़े, क्योंकि 10% से यानी कि 100 में से अगर 15 क्वेश्चन आपने छोड़ दिए तो आप सीधे के सीधे डिसक्वालीफाई कर दिए जाओगे। ठीक है जी, उम्मीद करते हैं ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत बढ़िया रही है, बहुत बड़ी अपडेट है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जो कैंडिडेट ग्रुप्स डी की भर्तियों के लिए आवेदन करने जा रहे हैं वो कोई भी एग्जाम में कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के ग्रुप डी की भर्ती के एग्जाम में 10% से ज़्यादा क्वेश्चन ना छोड़ें, क्योंकि वो डायरेक्टली डिसक्वालीफाई कर दिए जाएंगे। अगर इसी तरह की और अपडेट पाना चाहते हो चैनल पर पहले से जुड़े हो तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा, हमारा सहयोग जरूर कीजिए, क्योंकि आपके एक से हो सकता है किसी को बहुत बड़ी अपडेट मिल जाए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ मंगल में हो ऐसी हम कामना करते हैं। थैंक यू वेरी मच।